पोल वगैरह आप मैच करा लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा इस साइड में जो है रील लगा दूंगा उनकी, तो यहाँ पर वो वीडियो क्रिएट किया करती हैं और सामने के वृक्ष भी आते हैं। और कभी कभी देखा होगा कि वो जो है आम के वृक्ष पर बना, नहीं देखा तो मैं लगा दूंगा साइड में, आप देखिएगा। ये है भाई उनका घर, ये है गेट लगा हुआ जिसमें ताला पड़ा हुआ है। बहुत ही दोस्तों स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, मेरा नाम है मोहित मोरा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में हमारे लखनऊ से एक इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं जिनका नाम है सिमरन यादव, तो उनका मैं घर दिखाने वाला हूँ। और बात करें उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की, तो फॉलोअर्स की तो बहुत सार है उनके इंस्टा अकाउंट पर, और उनके समथिंग 7,97,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पे बात करें तो फेसबुक पेज पे समथिंग 32,74,268 समथिंग। फेसबुक पेज पे उनका नाम है सिमरन वायरल क्रिएटर। और अभी मैं हूँ ये मौंदा वाला रास्ता, मौंदा अमौसी, ये हाईवे टीएस मिश्रा हॉस्टल जस्ट पीछे ही है, और ये अमौसी से आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है ये हाईवे। और अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ टीएस मिश्रा हॉस्टल से उनके घर की तरफ, और चलते हैं रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे, उनका घर भी दिखाएंगे कितना बड़ा घर कहाँ पे बन रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिए तभी आपको मजा आएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं सरवन भाई। तो इधर मैं आया था किसी काम की वजह से, काम हो गया, अब निकल रहा हूँ यहाँ से। और सरवन भाई कहाँ चल रहे हैं अभी? हम सिमरन यादव के घर, सिमरन यादव का नया वाला घर। बहुत ही दिनों से मैं ढूंढ रहा था, लगभग एक हफ्ता मैं इधर इस एरिया में घूमा हूँ, तब जाके मुझे वो घर ढूंढने से मिला है। तो मैंने वहाँ पे पूछा भी था, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया। और वीडियो भी वो लोग वहीं पे बनाती हैं, तो दिखाऊंगा वीडियो कहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम सिमरन यादव जी का घर जहाँ पर है उस जगह पर आ चुके हैं। तो यहाँ से हम लेंगे अभी लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो चलिए लेफ्ट साइड में सरवन भैया। तो ये है भाई यहाँ का व्यू कुछ ऐसा, ये देखिए हम अभी चल रहे हैं यहाँ पे, दो चार घर ही बने हैं अभी, सामने चल रहे हैं इस साइड में। ये देखिए यहाँ पर ये नई प्लाटिंग है, वहीं पर उनका घर बना हुआ है, यहाँ पर दो चार घर बने हुए हैं। अभी हम चलेंगे उस साइड में, तो ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ का व्यू नज़ारा है। ये देखिए अभी हम लेफ्ट में चलेंगे इस साइड में, लेफ्ट में इधर, ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे है अभी व्यू। और सामने का जो घर देख रहे हैं ये है सिमरन यादव जी का घर, मैं भी प्रूफ भी दिखाऊंगा। और आगे हम चल रहे हैं, यहीं पे रोक लेते हैं अपनी गाड़ी को। गाइस फाइनली अभी मैं सिमरन यादव जी का जो घर है वहाँ पे आ चुका हूँ, और यहीं पर वो रील्स बनाया करती हैं। मैंने यहाँ पे बात किया था तो सिमरन यादव जी जो है ठंडी में काफ़ी ज़्यादा आया जाया करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे रील्स वगैरह बनाती हैं यहीं पर। और मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि यहीं पर उनका घर है और वो रील्स भी यहीं पर बनाती हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का ये, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आगरा एक्सप्रेसवे और अमौसी को जोड़ता है जो हाईवे मौंदा वाला हाईवे है, उसी पे एक किनारे ये साइड है, काफ़ी दूर आना पड़ेगा तब ये साइड आपको मिलेगी देखने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे वो रील्स बनाया करती हैं, उनका घर भी दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है अवध इस्टेट फ्री होल्ड प्लाट उपलब्ध है। तो ये खंभा पोल वगैरह आप मैच करा लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा इस साइड में जो है रील लगा दूंगा उनकी, तो यहाँ पर वो वीडियो क्रिएट किया करती हैं और सामने के वृक्ष भी आते हैं। और कभी कभी देखा होगा कि वो जो है आम के वृक्ष पर बनाकर बैठकर रील बनाया करती हैं, तो यहाँ पे बनाती। देखिए बहुत सारे आम के वृक्ष भी हैं, वो जो बाउंड्री आपको साइड में दिख रही वहाँ पर भी बनाती रहती हैं। और ये है उनका घर इधर, ये वाला कुछ वीडियो में ये वाला घर भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। और सामने की ये जो फैक्ट्री आपको दिख रही है ये भी नज़र आएगी। तो ये घर है भाई साहब, इसी के ऊपर छत पर से बनाती रहती हैं सिमरन जी वीडियो को, तो छत से बनाती हैं। तो
कभी इस साइड को बनाते हैं तो इधर का ये पूरा व्यूज आ जाता है, कभी उस साइड को बनाते हैं तो उधर का आ जाता है, कभी इस साइड को बनाते हैं तो ये घर आसपास के आ जाते हैं। तो यहीं पर वो रहती हैं, मतलब रहती तो अभी पारा क्षेत्र में ही है। देखते हैं, मिलने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुत सारे मैसेज किया, बट उन्होंने सीन भी नहीं किया, अभी रिप्लाई भी नहीं आया है। तो ये है भाई उनका घर, ये देखिए, ये कुछ यहाँ का व्यू। वो आती हैं तो स्कूटी वहीं पे खड़ी कर देती हैं और अपने घर में ऊपर रील्स बनाती रहती हैं। तो रील्स आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं लगा दूंगा साइड में, आप देखिएगा। ये है भाई उनका घर, ये है गेट लगा हुआ जिसमें ताला पड़ा हुआ है, बहुत ही कम यहाँ पे आती हैं। अभी देखिए प्लास्टर व्लास्टर हो चुका है पूरा इधर, ये देखिए इधर, और दो दुकानें भी शायद निकली हुई हैं। ये देखिए ईंटा लगा हुआ है, ये देखिए ताला पड़ा हुआ है। ये है सिमरन जी का घर, ये देखिए इधर से दिखाता हूँ कितना बड़ा ये घर बना हुआ है। देखिए वहाँ तक देखो बना हुआ है, और ये भाई साहब आते हुए नजर आ रहे हैं। पहुँच आए सिमरन जी के घर के पास, पहुँच आए बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है भाई साहब घर, देखिए है ना, इसी पे रील बनाया करती हैं, उधर भी बनाती हैं वहाँ पे, और इधर का बनाती हैं तो इधर की ये बागे वगे सब आती रहती हैं। हेलो भाई, ये सिमरन यादव जी का घर है ना, तो ये जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाती हैं है ना, यही घर है। तो यहाँ पे रहती नहीं है, कभी कभी आती होंगी? अच्छा, आपने देखा है? चलो भाई, जब आती हैं तो पूरा दिन रुकती हैं यहाँ पे, जब आती हैं तो पूरा दिन रुकती हैं यहाँ पे, रुकती हैं थोड़ी बहुत देर, थोड़ी बहुत देर। अच्छा, तो अभी घर का तो काम कंप्लीट हो गया मुझे लग रहा है। चलिए, सामने ये सीमेंट फैक्ट्री है ना भाई, सिमरन यादव जी का ब्लॉग देखा होगा तो सीमेंट फैक्ट्री वो दिखाती हैं। तो ये सामने सीमेंट फैक्ट्री है, और ये देखिए इधर कुछ बगीचे वगैरह, यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, ऊपर से बनाती हैं रील्स। ये है उनका घर नया वाला भाई, जिधर आप देखिए इधर अभी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और बात करें यहाँ ज़मीन की, तो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा महंगी है, क्योंकि पास में ही है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इस वजह से। और इधर कुछ लोग रहते हैं, और भाई जो रहते हैं वो इस घर में रहते हैं, यहाँ पे सामने वाले घर में। तो उन्हीं से मैंने कंफर्म कराया है, फिलहाल वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस हाँ हूँ करके काम चला दिए, ठीक है। और ये है हाईवे, आप देख रहे हो सामने। तो लोकेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी है लोकेशन यहाँ पे सिमरन जी भविष्य में भी रील बनाया करेंगी, अभी भी बनाती हैं यहाँ पे जब आती हैं। तो यार मैं यहाँ पे काफ़ी दूर आया हूँ अपने गांव से, मैं मलिहाबाद में रहता हूँ, बट ये काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो देखते हैं भाई, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमें बताइएगा। और एड्रेस की बात करें तो अभी उनका घर ढूँढूँगी जहाँ पर वो रहती हैं प्रेजेंट टाइम में, अभी तो यहाँ पर रहेंगी बाद में। ये देखिए घर, ये रील वगैरह में आती हैं, ये घर भी आता है उस रील में, देखा होगा। और ये बगीचे वगैरह तो आया ही करते हैं। तो गाइज यही है उनका ये घर, देख सकते हो। अभी हम निकल रहे हैं जहाँ पे वो रील बनाती हैं, उस साइड में चलेंगे वहाँ पे। और उनके जो जीना चढ़े हुए हैं इसी साइड से ये चढ़े हुए हैं, ये देखिए इस साइड से यहाँ से जीने चढ़े हैं, तो सामने का व्यूज़ भी आता है रील वगैरह में। पीछे से घर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर घर दिखाई देता है, ये देखिए पीछे शायद दो कमरे हैं दिख रहा है सामने से, अभी पीछे तो प्लास्टर हुआ नहीं है, ये आप देख सकते हो। और ये यहाँ का व्यू, यहाँ पे भैंसें देखो चल रही हैं इधर, और जब यहाँ पे बरसात होगी तो ये हरी हरी घास काफ़ी हरी हो जाएगी, तो व्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी सुंदर। सो गाइस, सिमरन यादव जी जो हैं वो यहाँ पर इन बगीचों में जो है पेड़ों पर देखा होगा रील्स बनाया करती हैं, तो ये वही पेड़ हैं जहाँ पर सिमरन यादव जी आती हैं पेड़ों पर बैठ के जो है रील्स वगैरह तैयार करती हैं। कभी कभी देखा होगा वो जो बाउंड्री आपको दिख रही है उस साइड में भी चली जाती हैं सिमरन यादव जी, कभी इधर से वीडियो शूट करती हैं कभी उधर से। तो उनका घर यहाँ पे है, इतना सारा रील्स बनाने के लिए जगह पड़ा हुआ है तो वो यहीं पर बना लेती हैं। देखिए नल भी यहाँ पे लगा हुआ है, पानी पीने की उचित सुविधा, और आम के बगीचे भी हैं। तो ये है भाई। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा सिमरन यादव जी का मैंने घर दिखा दिया फाइनली। अभी तो वो यहाँ पे रहती नहीं है बेसिकली, और घर जब बन रहा था तब वो आई थी, और बीच बीच में आया करती हैं। भैया लोगों ने बताया यहाँ पे कि जो वो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा आती हैं, अभी तो हालांकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, वैसे धूप हो रही कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जितना था मैंने आपको दिखा दिया यहाँ का, मैं वहाँ से इतनी दूर से आया हूँ यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। हालांकि मैं उनका रियल एड्रेस जो अभी करंट में है वो ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा तो उनसे मिलेंगे भी। और वैसे भी क्रिएटर हैं तो घर पे तो रहती नहीं है, वीडियो बनाया करती हैं इधर उधर, तो काम वाम रहता है।
तो देखते हैं मिल पाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कभी ना कभी तो मिलना होगा ये, क्योंकि इधर का आना जाना मेरा लगा रहता बहुत ज़्यादा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए, और कोई मैसेज सुझाव है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।